हेलो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ की हिंदी पार्ट नंबर दो। और ये पार्ट नंबर दो की हमारी सेकंड वीडियो नंबर है। सेकंड फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि जो बच्चे होते हैं वो अपने स्कूल की तरफ से चिड़ियाघर घूमने जाते हैं। चिड़ियाघर घूमने उनके साथ कौन कौन जाता है? उनके साथ जाती है रूपा मैडम और रवि सर। रवि सर और रूपा मैडम उन्हें जानवरों के बारे में बताते हैं कि कौन शेर है, कौन चीता है, और साथ ही वो बोलते हैं कि बंदर को छेड़ना नहीं है, बंदर को केला और मूंगफली खाने दो। तो वो सभी जानवरों से बच्चों का परिचय करवाते हैं, साथ ही उनकी पहचान करवाते हैं। अब हम वीडियो नंबर सेकंड में पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है। जैसे कि आपने देखा कि माधव नाम का बच्चा है, जिसने अपने सर से पूछा कि सर क्या हम इन जानवरों को जंगलों में भी इस तरह देख सकते हैं? तो देख रवि सर ने क्या बोला, रवि सर बोले बहुत कम, इन जानवरों को शिकार लोगों ने और प्रकृति ने मारने में लगभग समाप्त कर दिया है। रवि सर ने बोला जानवरों को शिकारी लोगों ने और प्राकृतिक की मार ने लगभग समाप्त कर दिया, मतलब कि बहुत से लोग जानवरों का शिकार करते हैं और जानवरों को जंगलों में आके मार देते हैं। प्राकृतिक की मार जैसे कि कभी तूफान आ जाता है, कभी आंधी आ जाती है, जिस कारण वह मर जाते हैं। ऐसा कहकर रवि सर उदास हो गए। रवि सर ने माधव को ये बताया और उसके साथ ही वो उदास हो गए। रवि क्या इन जानवरों को समाप्त होने से इंसान को भी नुकसान पहुंच सकता है? पूजा ने पूछा। एक पूजा नाम का बच्चा है, लड़की है, जिसने अपने सर से पूछा क्या अगर ये जानवर समाप्त हो गए, मतलब कि खत्म हो गए, तो क्या इससे इंसानों को भी नुकसान हो सकता है? इनसे इंसानों पर को क्या नुकसान होगा? बिल्कुल, क्योंकि ये समाप्त होते जानवर खतरनाक कीड़े मकोड़े वह जानवरों को मारकर हमें उनसे बचाते हैं, रूपा मैडम ने बताया। रूपा मैडम बता रही कि अगर जानवर ख़त्म हो गए तो हमें कीड़े मकोड़े काट लेंगे, क्योंकि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें ये बड़े जानवर खाकर समाप्त कर देते हैं, मतलब कि मार देते हैं। सभी बच्चे एक साथ बोले तो आओ हम सब मिलकर सौगंध लें कि हम जानवरों की हत्या कभी नहीं करेंगे और ना ही होने देंगे। ये सुनकर रूपा मैम और रवि सर की बात सुनकर बच्चे बोले कि आज से हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं, ये सौगंध, मतलब कि हम ये कसम खाते हैं कि ना हम तो जानवरों को मारेंगे और ना ही जानवरों को किसी को मारने देंगे। हम इन जानवरों की रक्षा करने वाले की हमेशा मदद करेंगे, मतलब कि जो जानवरों की रक्षा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी हम मदद करेंगे। रवि सर और रूपा मैडम सुनकर इनकी बात सुनकर बहुत खुश हो गए। रूपा मैडम और रवि सर ने जब बच्चों की यह बात सुनी तो वो बहुत ही खुश हो गए। सभी बच्चों ने तालियां बजाई, अब वह घर लौट चले। देख जब ये बात मैम ने और सर ने सुनी तो वो दोनों ही खुश हो गए और तालियां बजाई, और अब वह चिड़ियाघर से अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। उन्होंने पूरा चिड़ियाघर देख लिया। तो इसमें इस पार्ट में आपने पढ़ा कि हमें जानवरों की हत्या नहीं करनी चाहिए और ना ही होने देनी चाहिए, हमें हमेशा जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें वो समाप्त हो गए तो हमें भी उससे नुकसान हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। ये आपके पार्ट नंबर दो की वीडियो नंबर सेकंड थी जो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो के साथ ये लेसन भी ख़त्म होता है। वीडियो देखें और अपना चैप्टर रिवाइज करें।